नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पहला T20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक का टारगेट हमने मात्र 400 का रखा है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों न्यूजीलैंड का भारत दौरा अब शुरू हो चुका है, जिसके पहले 3 T20 मुकाबलों में से पहला T20 मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम पर खेला गया था। इस महामुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान बने रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड के टीम के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मार्टिन गुप्टिल और डेरियल मिचेल के कंधों पर न्यूजीलैंड की टीम को एक बढ़िया ओपन शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को उम्मीदों को पारी की है। पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने तोड़ दिया और डेनियल मिचेल को उनकी पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। डेरियल मिचेल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। पहले ही ओवर में लगे इस बड़े झटके के चलते भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन पहला विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए मार्क चैपमैन ने मार्टिन गुप्टिल के साथ मिलकर न्यूजीलैंड की पारी को दबाव से बाहर निकाला और एक बढ़िया साझेदारी बनाए। इन दोनों ने भारतीय टीमों के गेंदबाजों के ऊपर लगातार चौके और छक्के लगाए। इसके चलते न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर से दबाव पूरी तरह से हट गया था। इन दोनों ने पारी के 13वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और लगभग 109 रनों की साझेदारी भी बनाए, लेकिन फिर पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए रविचंद्रन अश्विन ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे मार्क चैपमैन को क्लीन बोल्ड कर दिया। मार्क चैपमैन 50 गेंदों में 63 रन बनाकर आउट हो गए। तो इसी ओवर में बल्लेबाजी करने आए नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को भी रविचंद्रन अश्विन ने बिना खाता खोले ही LBW आउट कर दिया, जिसके चलते बड़ी साझेदारी की वजह से भारतीय टीम पर बन रहा दबाव पारी के 14वें ओवर में ही अश्विन ने हटा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी मार्टिन गुप्टिल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच गुप्टिल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था, लेकिन फिर अंत के ओवर में बड़े शॉट खेलने के चक्कर में मार्टिन गुप्टिल पारी के 18वें ओवर में दीपक चहर की एक गेंद पर छक्का मारने के चक्कर में श्रेयस अय्यर को अपना कैच थमा बैठे। मार्टिन गुप्टिल 42 गेंदों में 70 रन बनाकर आउट हो गए और न्यूजीलैंड की पारी लगभग 180 के पार जाती हुई दिख रही थी। वह इस पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाफ 164 रन ही बना पाए। उसके बाद न्यूजीलैंड से मिले 165 रनों के एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम की दिग्गज ओपनर जोड़ी मैदान में उतरी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय टीम के उप कप्तान लोकेश राहुल की इस ओपनिंग जोड़ी पर इस महामुकाबले में भारतीय टीम को अच्छी और मजबूत ओपनिंग शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी और इन दो धमाकेदार बल्लेबाजों ने अपने पारियों का आगाज भी बेहतरीन तरीके से किया। रोहित शर्मा और लोकेश राहुल की इस जोड़ी ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाए। दोस्तों खास करके भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 50 रनों की लाजवाब साझेदारी बनाए, लेकिन इस साझेदारी को यह दोनों ज्यादा आगे बढ़ा नहीं पाए और पारी के 6वें ओवर में एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लोकेश राहुल को मिचेल सैंटनर ने मार्क चैपमैन के हाथों कैच आउट कराया। लोकेश राहुल 14 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। लोकेश राहुल जैसा बड़ा विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम कहीं न कहीं दबाव महसूस करने लगी थी, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव ने अपने कप्तान रोहित शर्मा का साथ बखूबी निभाया और फिर से एक महत्वपूर्ण और मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। इन दोनों ने राहुल के विकेट गिरने के बाद फिर से एक बेहतरीन अर्धशतकीय साझेदारी बनाई। रोहित शर्मा के साथ साथ सूर्य कुमार यादव भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों ने लगभग पारी के 13वें ओवर तक भारतीय टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन फिर पारी के 14वें ओवर में अपने अर्धशतक से केवल 2 रन दूर खड़े रोहित शर्मा को ट्रेंट बोल्ट ने आउट कर दिया। रोहित शर्मा 36 गेंदों में 48 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा का विकेट न्यूजीलैंड टीम के लिए बड़ा विकेट था। रोहित शर्मा का विकेट गिरने के चलते अब मुकाबला रोमांचक हो चुका था। भारतीय टीम को अब अंतिम 5 ओवरों में 38 रनों की आवश्यकता थी और रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद ऋषभ पंत को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था। ऋषभ पंत के साथ मिलकर सूर्य कुमार यादव ने खुद का अर्धशतक भी पूरा कर लिया था, लेकिन फिर अंत के ओवर में सूर्य कुमार यादव पारी के 17वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट की एक गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। सूर्य कुमार यादव 40 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर भी कुछ ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए और उन्हें भी टीम सऊदी ने पारी के 19वें ओवर में आउट कर दिया। अब मुकाबला आखिरी ओवर तक जा पहुंचा था। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अंत में लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई थी और मुकाबले के रोमांच को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। अब भारतीय टीम को आखिरी 6 गेंदों पर 10 रनों की आवश्यकता थी और क्रीज पर अपना पहला अंतरराष्ट्रीय गेम खेल रहे व्यंकटेश अय्यर बल्लेबाजी कर रहे थे। व्यंकटेश अय्यर ने इस ओवर में अपनी करियर की पहले ही गेंद पर एक महत्वपूर्ण चौका लगाया, जिसके चलते अब भारतीय टीम की इस मुकाबले में जीत साफ दिख रही थी। लेकिन फिर व्यंकटेश अय्यर को डेरियल मिचेल ने आउट कर दिया। अब भारत को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन फिर ऋषभ पंत ने अपना कमाल दिखाया और ओवर की 4थी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर भारतीय टीम को जीत दिला दी। दोस्तों इस महामुकाबले में रोहित शर्मा की कप्तानी और बल्लेबाजी में प्रदर्शन ने भारतीय टीम को इस महामुकाबले में जीत दिला दी।
तो दोस्तों आप रोहित शर्मा की इस लाजवाब कप्तानी और इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाज के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।